हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश के फीलिंग्स के लिए, क्योंकि मोस्टली लोगों को सैटरडे संडे में जो लोग को रिक्वेस्टेड है तो लगते हैं कि क्रश के लिए रीडिंग की रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। बट ठीक है कि वंस इन अ वीक भी चल जाता है, मैं ट्वाइस इन अ वीक करने की कोशिश तो करती हूँ। लेट्स सी कि क्योंकि कभी कभी होता है ना कि नॉर्मल करेंट फीलिंग्स और क्रश के फीलिंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पॉसिबल सेम हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और क्रश सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो वो सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के बारे में अभी तक अनजान है, फीलिंग्स क्या है, प्रपोज़ करेंगे नहीं करेंगे या क्या एक्चुअली चल रहा है, तो प्रपोजल के कितने एक्सपेक्टेशन है, ये मतलब क्रश सिचुएशन है ना, टोटली डिफरेंट होती है। एंड करंट फीलिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है कि प्रपोज करने के बारे में सोचे या कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप वाली सिचुएशन होती है। तो लेट्स सी क्रश के फीलिंग्स क्या है, जो मतलब वही अगेन सिचुएशन कि जिन्हें आप पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्रश सिचुएशन होता है तो पसंद का चीज़, बट समाउ कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं इसके बेसिस पे हमें पता चलता है ना कि क्या मतलब हमें जो लग रहा है वो सही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं, वो जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और यू नो ये सिचुएशन एक जनरल रीडिंग पे हो रही है तो आप अपने हिसाब से उसे कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रहे, क्योंकि आपको पॉजिटिव रखना ये मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है, पॉजिटिव रखना। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव कि हाँ, जो भी अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने सेंसेस में लेके काम करें। ओके, थैंक यू। बैलेंसिंग एनर्जीज, इन्फैटुएशन, फॉरगिवनेस, सॉलिट्यूड एंड डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड बॉटम डेक है ट्विन फ्लेम इज नियर, यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज नियर वाली सिचुएशन है। तो यहाँ मुझे क्या फील हो रहा है मन में, जो क्रश है आपके, जो अगेन वही चीज़ की जो आपको पसंद करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो थोड़ा ना भले आप सामने आते हैं तो बहुत पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, सब कुछ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बट यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी निकल के आई है तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा ना पास की चीज़ों में अटके हुए, थोड़ा अकेले में कोई चीज़ें समझने की कोशिश करी है। क्योंकि जहाँ पे फॉरगिवनेस, कोई तो गिल्ट है, कोई माफ़ी है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ किसी को देनी है, तो वो चीज़ में थोड़ा एक एनर्जी ना ब्लॉक होते, तो अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पे उनका ईगो हो, यहाँ पे उनके बहुत नेगेटिव एनर्जीज हो, उससे बैलेंस, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि कुछ पास्ट रिलेशन की वजह से, पास्ट ट्रॉमा की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है कि भाई चलो ये सब छोड़ ही दो, इस बारे में सोचना ही नहीं है, या फिर ईगो के बारे कि भाई सामने वाला झुकेगा तो ही मैं बात करूँगा या करूँगी, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ पर उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है कि हर वक्त हमें अपनी ज़िद और ईगो लेकर पकड़ के नहीं बैठना है। और ख़ास करके मुझे फॉरगिवनेस की एनर्जी में फील होता है कि उनको एक वक्त मिल रहा है इनको अपने आप को समझने का, कहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ। अगर ये एनर्जीज वो क्लियर करते हैं ना तो वो कैसा होता है कि, क्योंकि यहाँ पे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं जो उनकी फील हो रहा है कि नए से उम्मीद है, कि उन्होंने अपने आप को जैसे ना ब्लॉक करके रखा था एनर्जी वाइज कि मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा या करूँगी, मतलब अपने लाइफ में इतना बड़ा पंगा हो चुका है, पास्ट एनर्जीज है, किसी का इंतज़ार है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी दूसरे की उम्मीद नहीं थी या इच्छा नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आने से वो एनर्जी या उम्मीद अचानक से जाग गई,
पॉसिबल है कि आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या, बहुत सारा कंफ्यूज हो गए कि ये पर्सन मुझे इतना मतलब ट्रिगर कैसे कर गया, ये पर्सन मुझे ट्रिगर कैसे कर गया। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना कवर अप एनर्जी में रखा था, अपने आप को शेल में डाल के रखा था, तो ये पर्सन ने मुझे ट्रिगर कैसे कर दिया इतने सारे लोगों के आसपास। मतलब ऐसा नहीं कि लोग आए गए सब कुछ है, बट समहाउ इस एनर्जी ने बहुत ट्रिगर कर दिया, एक नई सी उम्मीद जगाई है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, तो वो फील हो रहा है मुझे कि ये लिटरली कुछ आपके लिए ना प्लान कर रहे हैं, कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की सोच रहे अनजाने में से ही, अचानक से। मतलब वो किसी पास्ट एनर्जी में थे, नेगेटिव थे, बट अचानक से आपका थॉट आया, आपका डीपी देखा, स्टेटस देखा, वट एवर, बट ऐसा लगा कि अचानक से आप लाइक थॉट्स में घुस गए। यस, आप थॉट्स में घुस गए, तो उसकी वजह से थोड़ा वो थोड़ा शॉक में गए कि ऐसे कैसे हो गए। मतलब अपने आप को इतने वक्त से मैंने संभाल के रखा था, तो अचानक से क्या हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। वो अचानक से मुझे एक साउंड चैनल हुआ, वो तेरी नज़र ने ऐसा क्या कर दिया, मुझ पे ही मुझ पे जुदा हो गया, समथिंग ऐसा। वो मतलब अचानक से एक क्लिक हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आपके बारे में। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ रॉड्स, ओके, पॉजिटिव एंड फॉर फाइव कप्स, ओके, तो ये जो फील हो रहा था ना वही है। सेवन ऑफ रॉड्स, टेम्परेंस, यहाँ पे अगेन डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। टेन ऑफ रॉड्स, राइट, द हायरोफंट, एस ऑफ रॉड, नाइन ऑफ रॉड्स, दो कार्ड्स आए हैं, द डेविल और ये बॉटम ऑफ डेक लेती हूँ, फाइव ऑफ रॉड्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैंने एनर्जी वाइज फील किया था ना कि ये लिटरली किसी पास्ट एनर्जीज में स्टक है, अपनी एडिक्टिव हैबिट्स, अपनी जो निगेटिव एनर्जीज है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बाकी है, अधूरा है उनके लाइफ में। जैसे किसी से माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मिलना, ये दोनों भी चीज़ें हो सकती है उनकी अपनी अपनी सिचुएशन के, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक स्टक है। तो इस एनर्जी के चलते वो बहुत ज़्यादा एक ना परेशानी और अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूर, जिम्मेदारी का बोझ हो सकता है, कि मतलब हो सकता है ना कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, घर की है, करियर की है, फाइनेंसेस की है, शायद बर्डन है, कुछ डेट हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर हो सकता है, कोई करियर का इशू हो सकता है, फाइनेंसेस के इशू हो सकते हैं। तो बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कि अपने आप को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा लगे, पेशेंस रखे हुए हैं, काफ़ी अरसे से पेशेंस रखे हुए हैं, और अपने आप को ना जैसे मैंने कहा ना प्रोटेक्ट करने की या शेल में रखने की कोशिश में है। उदास तो है, दुखी तो है, लेकिन इस बीच में आपकी फीलिंग्स या आपकी एनर्जी ने दस्तक दी है, तो वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कौन सी एनर्जी है जो नई उम्मीद जगा रही है। इट्स लाइक देखो ना, आप नए से फूल खिल रहे हैं, लाइक तो वो चीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फील हो रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है ना कि वो जख्मों से घिरे हुए हैं, बहुत बर्डन में भी है, कि नाइन ऑफ रॉड, टेन ऑफ रॉड, सेवन ऑफ रॉड्स, ऐसे वो जो एनर्जी दिख रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को वो उस एनर्जी से निकालने की कोशिश में है, निकालने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ है। तो थोड़ा एनर्जी वाइज उधर डाउन ही है, लेकिन
आपके साथ एक नई उम्मीद जागी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपको देखते ही बहुत अच्छा लगा है, एक उम्मीद जागी है और ख़ास करके ना एक स्टेबिलिटी की लाइक इमोशनल हैप्पीनेस जो उनको जो चाहिए ना, क्योंकि उनके लाइफ में ना होने के लिए शायद इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब सपोज़ अब करियर डाउन हो, फाइनेंसेस डाउन हो, लेकिन अगर इमोशनल स्ट्रेंथ मिले कि कोई हमारे साथ है, कोई अपना है, तो हम उस बुरे वक्त से भी निकल जाते हैं। तो वो काइंड ऑफ फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा फील हुई आपके साथ। हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो मैरिड हो, पॉसिबल है कि आप मैरिड हो, जो भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे एक कंप्लीशन और एक इमोशनल हैप्पीनेस वो आपके साथ दिख रहे हैं। हालांकि सिचुएशन में उनके काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, इसकी वजह से वो खामोश है, वरना अगर सिचुएशन परमिट करे, या लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में थोड़ा एक वक्त के बाद, मुझे काफ़ी हद तक ना जैन के बाद, अभी जो नया साल है उसके स्टार्ट में हो या फिर उसके बाद जैन स्टार्ट होने के ख़त्म होने होते, उनकी फीलिंग्स में चेंज आते हुए नज़र आएगा, चेंज आते हुए नज़र आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा अपनी एनर्जी में शिफ्ट होते हैं। जैसे जैसे आपको जानने लगेंगे, जैसे जैसे आपके आपसे मिलने लगेंगे, वो एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी, उनको एक हीलिंग मिलती रहेगी और फिर चीज़ें उनके लिए जो फीलिंग है, आपके लिए प्रपोज करना है या प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, उस बारे में सोचेंगे जरूर, ऐसी वाली फीलिंग है। रिलीजियस फैक्टर्स आपके बीच में, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से शायद थमे हुए हैं। दिस कुड बी द वन। सो यूनिवर्स का कहना है कि शायद यही पर्सन है जिनका आपको इंतज़ार था, या उन्हें ऐसा लगता है कि यस यही पर्सन है जिनका उनको इंतज़ार था। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, बट दिस कुड बी द वन, यही आपके सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एनर्जी भी वैसे ही आ रही है। तो वो किसी कार्मिक पार्टनर या कार्मिक रिलेशन या कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब है, मे बी। कीप एन ओपन माइंड, अगेन वही जो मैंने अभी कहा ना वाली चीज़, वो कार्ड चाहिए नहीं, ओके, ट्रू लव। सो एंड बॉटम डेक है सोलमेट। सो मुझे जो फील हो रहा था ना, मैंने कहा ना सोल कनेक्शन की वाइब्स जारी है, तो यस दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, दिस इज़ योर सोलमेट, और यही हो सकता है जो आपके सच्चे प्यार हो। इसीलिए थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी है, समझना समझाना बहुत ज़रूरी है, और कीप एन ओपन माइंड। अभी चीज़ें सामने से ठीक नहीं चल रही है, या फिर सामने से कुछ नहीं आ रहा है, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर थोड़ा एक वक्त दीजिए, वेट फॉर द टाइमिंग, सही वक्त आने पे सही चीज़ें बराबर से होती है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स।